डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एवरेजेस के चैप्टर के एमसीक्यूज़ को। पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था और कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था। आज इसके जो रिमेनिंग एमसीक्यूज़ हैं उनको भी डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बात बता रही थी कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मॉड क्या होता है, उसको आप किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशंस बताई थी कि तीन तरह के डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, सिमेट्रिकल, पॉजिटिवली और नेगेटिवली स्क्यूड। ठीक है, मीन की एक प्रॉपर्टी बताई थी, ये सब पिछली लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके मजीद कुछ एमसीक्यूज़ को। पहला एमसीक्यू है एंड ओगिव इज ड्रॉन टू फाइंड दी, आप ओगिव का जो ग्राफ है वो ड्रॉ करते हैं, उससे आप कौन सी वैल्यू जो है वो आप उसको शो कर सकते हैं, मीन, मीडियन या मॉड। ये बात को मैं आपको बता चुका हूँ कि ओगिव के जरिए हम प्रेजेंट करते हैं मीडियन को। ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ओगिव के जरिए आप प्रेजेंट करते हैं मीडियन को, ऑप्शन ए। इफ फॉर अ डेटा समीशन x माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, देन द मीन ऑफ द डेटा इज, ये आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। अच्छा भाई, मैंने आपको पीछे मीन की एक प्रॉपर्टी लिखवाई हुई है, उस प्रॉपर्टी को चेक कीजिएगा। वो प्रॉपर्टी क्या है? वो प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है कि समीशन एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू जीरो। ये जो एक्स बार है, ये एक्स बार रिप्रेजेंट करता है किसको? आपके मीन को। यानी यहाँ पर तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ पर कौन सी वैल्यू होगी? एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी मीन की, जो भी आपने अपने डाटा से मीन कैलकुलेट किया होगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो मीन की वैल्यू होगी। अब इसी वैल्यू को, इस पूरे इक्वेशन को चेक कीजिए, इससे बिल्कुल सेम लिखी हुई है। और यहाँ पर x बार की जगह पर क्या लिखा हुआ है? फाइव लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मीन की वैल्यू है यहाँ पर वो क्या है? वो फाइव है। वो ये पूछ रहे हैं आपसे द मीन ऑफ द डाटा इज, तो इस डाटा में मीन की वैल्यू क्या होगी? सर, मीन की वैल्यू फाइव होगी, क्योंकि यहाँ पर मीन की वैल्यू रखी जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या बनता है? सी, ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। If x minus 15 is equal to 0 for a data, then the arithmetic mean will be, बिल्कुल सेम एम सी क्यू दोबारा से आ गया। तो फिर से मैंने आपके सामने वही इक्वेशन दोबारा से लिखी। x बार किसको रिप्रेजेंट करता है? मीन को। यानी x बार की जगह पर यहाँ पर क्या रखा है? 15। तो यहाँ पर जो मीन की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? वो 15 होगी। यानी ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। फॉर अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखें यहाँ पर गौर से देखिएगा। If summation x minus 15 is equal to 5 and x minus 18 is equal to 0, then mean is, ये चार options आपको बताए गए हैं। भाई mean के लिए तरीकेकार ये है कि summation x minus x bar is equal to 0, हमेशा is equal to कितना होगा? 0। तो पहली तो equation ही गलत है, x minus 15 is equal to 5, ये equation ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे equal to के बाद क्या लिखा है? 5, काट दीजिए, गलत जवाब। x माइनस 18 इज इक्वल टू जीरो, हाँ यहाँ पर 18 के बाद जो है वो इज इक्वल टू के बाद जीरो है, ये इक्वेशन सही है। और जो x बार है वो रिप्रेजेंट किसको करता है? मीन को। और यहाँ पर x बार की जगह पर क्या रखा हुआ है? 18। तो मीन की वैल्यू कितनी बनती है? यहाँ पर 18 बनती है। तो वो ये पूछें कि आपसे मीन की वैल्यू क्या होगी? सर, मीन की वैल्यू 18 होगी। यानी ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। द मीडियन ऑफ द डाटा, ये आपको एक डाटा दिया गया है और ये चार ऑप्शन दिए गए। पहले तो ये समझेगा कि मीडियन क्या होता है। मीडियन का मतलब होता है आपके डेटा की सेंटर की वैल्यू, बिल्कुल बीच की वैल्यू। तो उसके लिए पहले ज़रूरी है कि आप अपने इन वैल्यूज़ को अरेंज कीजिए। अरेंज कैसे करते हैं कि सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू, इनमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है? माइनस थ्री। उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू माइनस टू, फिर -1, फिर -1, और फिर उसके बाद बड़ी वैल्यू 1, 2, 3। यानी छोटे से बड़े की तरफ लिखे, चाहे तो आप बड़े से छोटे की तरफ लिख सकते हैं, यानी 3, 2, 1, -1, -2, -3, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। बस डाटा को अरेंज करना है छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ, यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग, किसी भी ऑर्डर में अरेंज करना है। अब अरेंज करने के बाद अगर आप देखें तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यूज हैं। अब 6 वैल्यू में सर दरमियान की वैल्यू निकालना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि दो दरमियान की वैल्यू है, दो वैल्यू यहाँ से हटा दी है, दो वैल्यू यहाँ से हटा दी है, तो बचता है बीच में क्या? -1 और 1। सर, दो वैल्यूज दरमियान में हो गई हैं, हाँ अब प्रॉब्लम है। अगर दो वैल्यू सेंटर की हो जाए तो क्या किया जाए? तो तरीकेकार ये है भाई कि दोनों वैल्यूज को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो एक वैल्यू क्या है? -1, और दूसरी वैल्यू क्या है? +1। तो -1, +1 और डिवाइड बाय 2, ये 2 फिक्स है, कॉन्स्टेंट है। तो -1 और +1 कितना हो जाएगा? 0। 0 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर भी कितना हो जाएगा? 0। तो ये हो गया भाई सेरीमेंडा। तो आंसर इसका आता है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर। ठीक है जी, द मीडियन ऑफ द डाटा। अब फिर से आपके सामने एक डाटा मौजूद है, अगेन आपको इसका
मीडियन मालूम करना है। तो मीडियन का तरीकाकार वही है जो मैंने आपको पीछे बताया कि पहले तो अपने डाटा को अरेंज कीजिए, सबसे छोटी वैल्यू क्या है माइनस टू, फिर वन टू थ्री फोर और सिक्स, उसी ऑर्डर में मैंने लिखा माइनस टू वन टू थ्री फोर और सिक्स, ठीक है जी। अब कितनी वैल्यूज हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, सर अगेन छः वैल्यूज़ हैं, तो इसका मतलब जो बीच की वैल्यू बन रही है यहाँ पर वो दो वैल्यूज़ बन रही है, दो वैल्यू यहाँ से हटा दीजिए, दो वैल्यू यहाँ से हटा दीजिए, बीच में क्या बचा आपके पास टू और थ्री। तो जो अगर दो वैल्यूज सेंटर की हो रही है तो दो सेंटर की वैल्यूज नहीं हो सकती, टू और थ्री के बीच की वैल्यू क्या होगी, दो और तीन के दरमियान में वैल्यू क्या आ सकती है, आप खुद सोचिए, वैसे तो ढाई बनती है, लेकिन इसको चेक भी कर लेते हैं। तो टू प्लस थ्री, टू प्लस थ्री दोनों दरमियान की वैल्यू से दोनों को प्लस किया, दोनों को प्लस करके टू से डिवाइड कर दीजिए, टू कॉन्स्टेंट है, तो टू प्लस थ्री हो जाएंगे फाइव, फाइव डिवाइडेड बाई टू, फाइव को टू से डिवाइड करें तो ढाई, बिल्कुल आप लॉजिकली सोच लीजिए कि टू और थ्री के दरमियान की वैल्यू क्या होगी, सर ढाई रुपये दरमियान की वैल्यू होगी, 2.5 is the correct answer, option B. Median of 4, 5, 3, 6, 9. इसका जो median है वो क्या होगा, पहले तो अपने data को arrange कर लीजिए बिल्कुल order में sequence में, तो arrange किया 3, 4, 5, 6, 9. अब कितनी values है, 1, 2, 3, 4, 5, सर 5 values है, अगर 5 value है तो बीच की value निकालना इसमें तो बहुत ही आसान है, 3 और 4 यहाँ से हटा दीजिए, 6 और 9 यहाँ से हटा दीजिए, तो बीच की value क्या बनती है 5. तो मीडियन 5, अब यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं करना, यानी अगर ऑड नंबर्स हैं, 5 नंबर्स थे ऑड नंबर है, तो बीच की वैल्यू निकालना इसमें बहुत आसान है, 7 हो तो भी आसान है, 9 हो तो भी आसान है, 3 वैल्यूज हो तो भी बीच की वैल्यू निकालना आसान है, इवन नंबर्स में मुश्किल हो जाती है, ठीक है जी। तो मीडियन क्या है, 5, ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। द मीन ऑफ माइनस 5, 0 एंड 5 इज, इसका जो मीन होगा वो क्या होगा, भाई पहले मीन का फॉर्मूला समझ लेते हैं, पिछले लेक्चर में ही बताया था, मीन का फॉर्मूला है समीशन एक्स डिवाइड बाय एन, यानी सारे नंबर्स को प्लस कीजिए और जितने ये नंबर्स हैं उससे डिवाइड कर दीजिए, तो पहले तो इन सब तीनों नंबर्स को आप ऐड कर लीजिए, माइनस 5, 0 और 5, तीनों को ऐड कर लीजिए, इसमें सीक्वेंस की जरूरत नहीं है आपको, और कितने नंबर्स हैं ये, 1, 2, 3, तो डिवाइड भी किससे कर दिए, 3 से डिवाइड कर दिए, माइनस 5 प्लस 5 ये कितना हो जाएगा, सर 0 हो जाएगा, 0 को 3 से डिवाइड करें तो आंसर भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, सी, यानी 0 इसका आंसर है। ये आपके सामने 4, 4, 4, 4, 4, 5 दफा 4 लिखा हुआ और कह रहे हैं इसका मीन क्या होगा, भाई चले भाई मीन का फॉर्मूला लिखते हैं, समीशन एक्स डिवाइड बाय एन, मीन मालूम करने कह रहे हैं, तो मीन का फॉर्मूला यही है, सारे नंबर्स को प्लस कीजिए, सबको प्लस किया मैंने, 5 दफा 4 है लिख दिया, और कितने नंबर्स हैं, ये 5 नंबर्स हैं, तो डिवाइड भी किससे कर दिया मैंने, ऐसे 5 से डिवाइड कर दिया, सॉल्व करेंगे इन सबको प्लस करें तो 20, 20 को 5 से डिवाइड करें तो आंसर कितना आएगा आपके कैलकुलेटर पे, 4 ही आंसर आएगा, तो सी जो है वो इसे करेक्ट आंसर है। इफ द मीन ऑफ 15 वैल्यूज इज 6 देन द सम ऑफ वैल्यूज इज, ये आपके सामने चार ऑप्शन थे। अच्छा इस जुमले को पहले समझिएगा, पहले मैंने आपके सामने मीन का फॉर्मूला लिख दिया, मीन की बात हो रही तो मीन का फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया, लिखा हुआ इफ द मीन ऑफ 15 वैल्यूज, 15 वैल्यूज का जो मीन है इज 6, वो मीन 6 है। स्टूडेंट कंफ्यूजन कहां पे क्रिएट कर देते हैं, स्टूडेंट कहते हैं कि सर मीन 15 है और वैल्यू 6 है, अंग्रेजी का बड़ा फुकदान है, मतलब अंग्रेजी बड़ी कमजोर है हमारी। इफ द मीन ऑफ 15 वैल्यूज इज 6, 15 वैल्यूज ऑफ कहते हैं का मीन है 15 वैल्यूज का इज 6, कितना है 6 है, तो मीन 6 है और वैल्यूज कितनी है 15 है, इस बात को जहन में रखिएगा। आइए जरा वैल्यूज पुट करते हैं, तो मीन कितना है 6, तो मैंने मीन की जगह पर पुट कर दिया 6। सम ऑफ वैल्यूज, सम ऑफ वैल्यूज मतलब समीशन एक्स, समीशन एक्स नहीं पता, समीशन एक्स की जगह पर समीशन एक्स पुट कर दिया। 15 वैल्यूज, वैल्यूज कितनी है आपके पास 15 है, यानी नंबर्स कितने हैं 15 है, तो मैंने नंबर्स की जगह पर क्या पुट कर दिया 15 पुट कर दिया, नंबर्स 15 तो नंबर की जगह पर 15 पुट कर दिया। अब मुझे x की वैल्यू समीशन x मालूम करना है, तो क्या करना चाहिए, 15 यहाँ पर डिवाइड है, इसे उठाकर यहाँ पर लेकर आ जाइए, यहाँ डिवाइड हो रहा तो यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू यहाँ पे कह रहा जाएगा समीशन x, 6 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो आपके कैलकुलेटर पर आंसर आ जाएगा 90, यानी x का जो सम बनेगा वो बनेगा 90, ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से दूसरा एमसीक्यू है, इफ द मीन ऑफ द डेटा ऑफ 25 ऑब्जर्वेशंस इज 40, ऑब्जर्वेशंस यानी जो नंबर्स हैं वो कितने हैं 25 है और इनका जो मीन है इज 40, भाई मीन बाद में लिखा हुआ है, मीन 40 है, देन समीशन एक्स इक्वल टू, तो समीशन एक्स क्या होगा, ये चार ऑप्शंस उन्होंने आपको बता दिए, पहले मीन का फॉर्मूला पुट कर दीजिए,
मीन की जगह पे मीन की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो मीन की वैल्यू है 40, मैंने यहाँ पे पुट की, समीशन एक्स मालूम करना है, और नंबर्स कितने हैं 25, यानी एन है 25, नीचे रख दे 25 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसको उठाकर यहाँ लेकर आ जाइए, तो 40 के साथ आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाई बाय 25 आपके पास आ जाएगा समीशन एक्स, और ये बनता है कितना, कितना बनेगा भाई, कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, सी ऑप्शन 1000 आंसर आएगा, हाँ सही है ना, 40 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर. द अर्थमेटिक मीन ऑफ फोर वैल्यूज इज 25, देन समीशन एक्स इज, सेम एमसीक्यू दोबारा, बार बार सर क्यों रिपीट करवा रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ भाई. द अर्थमेटिक मीन ऑफ फोर वैल्यूज, फोर वैल्यूज है यानी एन फोर है, इज 25 और उसका जो मीन है वो 25 है, तो मैं मीन की जगह पर पुट करता हूँ 25, समीशन एक्स की जगह पर समीशन एक्स, और एन की जगह पर पुट किया 4, 4 यहाँ डिवाइड है, यहाँ लेकर आ जाइए मल्टीप्लाई, 25 मल्टीप्लाई 4 आपके पास समीशन एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जो कि इक्वल हो जाएगी इसके 100 के, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है. द अर्थमेटिक मीन ऑफ फाइव वैल्यूज इज 20, सम ऑफ वैल्यूज इज, अगेन सेम एमसीक्यू है, खुद ट्राई कीजिए प्लीज, फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद ट्राई कीजिए, आई होप आपको आंसर मिल जाएगा. तो मीन कितना है इसमें, सर मीन 20 है, मीन की जगह पर पुट किया 20, समीशन एक्स मालूम करना है यानी सम ऑफ वैल्यूज मालूम करनी है, और वैल्यूज कितनी है 5 वैल्यूज, यानी नंबर्स कितने हैं 5, एन की जगह पर 5 पुट किया, 5 को उठाकर यहाँ लेकर आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 5, समीशन एक्स आ जाएगा, यानी कि 100 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी. हाँ भाई, इफ एक्स बार इज इक्वल टू 50 एंड वाई इज इक्वल टू 3x-10, देन मीन ऑफ वाई इज, ये चार ऑप्शंस आपको दिए हैं भाई. इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने का आसान सा तरीकेकार मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ. y इज इक्वल टू 3x-10 जो यहाँ पर लिखा हुआ है, 3x की जगह पर कर दीजिए x बार, यानी यहाँ पर x बार यानी मीन की वैल्यू पुट कर दीजिए और बस कुछ भी मत कीजिए. तो मैं x बार की जगह पर पुट कर देता हूँ मीन, यानी मीन की वैल्यू कितनी है 50, 3 की जगह पर 3, x बार की जगह पर 50 और माइनस की जगह पर माइनस और 10 की जगह पर 10. सॉल्व कीजिए, 3 में को 15 से मल्टीप्लाई करें 50 से, तो आंसर कितना आएगा 150 माइनस 10, 150 में से 10 माइनस करें तो आंसर कितना आ जाएगा 140. तो y का जो मीन होगा वो कितना होगा 140 होगा, यानी a इसका करेक्ट आंसर है. इफ इन अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू 35 एंड मीडियन इज इक्वल टू 30, देन मॉड इज, हाँ भाई ये कुछ भयानक सी बात हो गई. यहाँ पर देखिए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, मीन 35 है और मीडियन 30 है, यानी कि वैल्यूज आगे पीछे हैं, तो यहाँ पर मॉड भी क्या होगा, चेंज होगा, बराबर नहीं है. तो इसके लिए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ना होगा, अगर आपके पास इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन हो, पॉजिटिव या नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो इसमें मीन मीडियन मॉड कुछ भी मालूम करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ही है, मीन माइनस मॉड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन. इसमें जो वैल्यूज गिवन है वो पुट कीजिए, जो गिवन नहीं है वो मालूम हो जाएगी. कैसे मालूम होगी सर, अभी कर लेते हैं. मीन कितना गिवन है 35, तो मैंने मीन की जगह पर लिखा 35, माइनस की जगह पर माइनस, क्या मालूम करना है आपको, मॉड, तो मॉड की जगह पर लिखा मॉड, इज इक्वल टू की जगह पर इज इक्वल टू, 3 की जगह पर 3, मीन की वैल्यू कितनी थी सर, मीन की वैल्यू थी 35, माइनस मीडियन की वैल्यू कितनी है 30, तो 30 की जगह पर, मीडियन की जगह पर 30 पुट किया. इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं. कैसे सॉल्व करते हैं सर, ऐसे सॉल्व करते हैं कि 35 माइनस मॉड वैसे का वैसे रहा, इज इक्वल टू वैसे का वैसे रहा. पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लिए, 35 में से 30 को माइनस करें अगर आप अपने कैलकुलेटर पे, तो 35 में से 30 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 5, और वो 5 मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के बाहर 3 से, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा भाई. अब हमें किसकी वैल्यू मालूम करनी है, मॉड की वैल्यू मालूम करनी है. तो देखिए मॉड यहाँ किस में है, माइनस में है, तो मॉड को उठाकर यहाँ लेकर आ जाइए और 15 को उठाकर 35 के पास ले जाइए, क्योंकि नंबर एक तरफ होना चाहिए. तो मॉड यहाँ पे आके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 15 को जब यहाँ लेकर आएंगे तो 15 इस वक्त प्लस में है, यहाँ आके 15 माइनस में हो जाएगा, यानी शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी, 35 माइनस 15 इज इक्वल टू मॉड. अब आप इसे अगर सॉल्व कर लें तो आंसर आ जाएगा आपके पास चुपके से 20 आंसर आएगा. तो मॉड का आंसर बनता है 20, यानी ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है. ये इस चैप्टर के एमसीक्यूज भी हो गए हैं ख़त्म. इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर के एमसीक्यूज को, बहुत अच्छे एमसीक्यूज हैं वो भी. तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.